asalamu As alaikum class 1 students how are you hope you all are fine i am your science teacher uh, we welcome to uh, science video lecture we are going to read about my body so open your books page 1 unit 1 माई मेरा अमेजिंग हैरान कन बॉडी बदन मेरा हैरान कन बदन या जिसम आज के सबक में हमने बॉडी के बारे में पढ़ना है आफ्टर कंप्लीटिंग दिस यूनिट स्टूडेंट विल बी एबल टू अच्छा इस सबक पढ़ के पढ़ने के बाद क्या होगा इस सबक के पढ़ने के बाद नंबर वन नेम मेजर पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी इंसानी जिसम के जो बड़े बड़े है, पार्ट्स हैं हिस्से हैं उनके नाम जान सकेंगे आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ वेरियस बॉडी पार्ट्स और इंसानी जिसम के जो अज़ा है उनके काम के बारे में आप जान सकेंगे सो लेट स्टार्ट आर बॉडी हैज़ मैनी डिफरेंट पार्ट्स हमारे जिसम के कई हिस्से हैं कैन यू नेम सम ऑफ योर बॉडी क्या आप अपने जिसम के हिस्सों के नाम बता सकते हैं स्टूडेंट नहीं बता सकते Yes, बता सकते हैं गुड वेरी गुड चले आज मैं भी आप लोगों को बताती हूँ ठीक है ओके वी हैव अ पिक्चर हेयर ऑन दिस पेज हमारे पास यहाँ पे एक पिक्चर है इस पेज पर पे. और इस पे हमें मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स यानी हिस्सों के नाम बताए हैं अब आप लोगों को मैंने ये बताने हैं ठीक है लेट स्टार्ट फर्स्ट वन है आईब्रो कैन यू सी द फर्स्ट पार्ट एनी वन नोज विच पार्ट इज़ दिस दिस इज आईब्रो आईब्रो कहते हैं बमों को Yes, ये है आईब्रो इसको कहते हैं आईब्रो हेयर हेयर कहते हैं बाल को स्टूडेंट आपको पता है ना हमारे जो है बाल डिफरेंट कलर के होते हैं किसी के गोल्डन होते हैं किसी के ब्लैक होते हैं किसी के ब्राउन होते हैं सो वी हैव डिफरेंट कलर ऑफ हेयर नेक्स्ट है नोज नोस कहते हैं नाक को येस वी कैन स्मेल विद आर नोज नेक्स्ट माउथ माउथ कहते हैं मुंह को येस ये ये मुंह है माउथ ये नेक्स्ट वन चेस्ट चेस्ट जाती को कहते हैं दिस वन इज चेस्ट स्टमक स्टमक मैदे को कहते हैं स्टूडेंट हेयर जो है मैदा होता है हम जो भी चीज खाते हैं ना खुराक कहते हैं तो ये मैदे में चला जाता है वो खुराक ठीक है तो इसको कहते हैं स्टमक नेक्स्ट है नी नी कहते हैं घुटने को ये जगह जो है ये इसको कहते हैं ठीक है नी इसको कहते हैं हम्म hmm. नेक्स्ट है फॉर हेड यस ये जगह पेशानी जो है इसको कहते हैं फॉर हेड ईयर ये कान को कहते हैं यस वी कैन हेयर विद आर ईयर कानों से हम सुनते हैं ठीक है नेक्स्ट है आई आय कहते हैं को ये जो है इसको कहते हैं आय आय कहते हैं को वी कैन सी हम आंकों से देख सकते हैं वी कैन सी विद आर आईज यस नेक्स्ट है आम आम कहते हैं बाजू को आम कहते हैं बाजू को नेक्स्ट हैंड हाथ यस ये है हाथ हैंड इसको कहते हैं हैंड फिंगर फिंगर कहते हैं उंगली को यस yes. नेक्स्ट है लेग लेग कहते हैं टांग को लेग टांग फुट पाओ फुट फुट पाओ ठीक है यस नेक्स्ट नाउ टर्न द पेज पेज नंबर टू पेज नंबर टू नंबर टू पे अब क्या है वी हैव डिफरेंट पिक्चर्स हमारे पास डिफरेंट पिक्चर्स हैं जिसमें हमें डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के फंक्शंस के यानी काम के बारे में बताया है ठीक है चले अब हमारे पास यहाँ पे एक पिक्चर है वी हैव अ पिक्चर हेयर यहाँ पे हमारे पास एक पिक्चर है इसमें uh, बॉय ने क्या किया है इन दिस पिक्चर बॉय इज़ होल्डिंग अ पेंसिल यहाँ पे बॉय ने पेंसिल पकड़ी हुई है ठीक है वी होल्ड ऑब्जेक्ट्स इन आर हैंड इसमें बताया गया है कि हम जो है चीज़ों को हाथ में पकड़ते हैं ये देखिए बॉय ने पेंसिल पकड़ी हुई है हाथ में नेक्स्ट वी मूव आर हैंड विद द हेल्प ऑफ आर आर्म्स और हम जो है अपने हाथों को जो है आर्म्स की मदद से बाजू की मदद से जो है वो हरकत दे सकते हैं जिसे ये जगह जो है बाजू इसकी मदद से हम हाथों को हरकत कर दे सकते हैं इन नेक्स्ट पिक्चर यस वी हैव अ बॉय इन ही इज़ ईटिंग समथिंग यहाँ पे एक बच्चा है वो कुछ खा रहा है अब इसमें हमें क्या बताया है वी चीव फूड विद आर टीथ इसमें बताया है कि हम जो है अपने दांतों के ज़रिए जो है चीज़ों को चबाते हैं, ख़ुराक को चबाते हैं कोई भी चीज़ हम का है खुराक तो वो हम दांत से चबाते हैं येस ना वी हैव नेक्स्ट पिक्चर इन दिस पिक्चर बॉय इज़ वॉकिंग ये देखिए एक बच्चा है वो जा रहा है Yes, इसमें क्या आ, बताया है हमें वी स्टेन ऑन आवर फीट इस पे हमें बताया गया है कि हम जो है अपने पाँव पे खड़े होते हैं नेक्स्ट है वी कैन वॉक यूजिंग आर लेग्स इसमें बताया है कि हम जो है चलने फिरने के लिए अपनी ठाँगों को इस्तेमाल करते हैं ये इस तो ये है हमारे बॉडी पार्ट्स ना इसके काम के बारे में हम जान सकेंगे अब नेक्स्ट पेज पे हम जाते हैं पेज नंबर थ्री अच्छा पेज नंबर थ्री पे क्या है पेज नंबर थ्री पे वी हैव एन एन अदर पिक्चर यहाँ पे हमारे पास एक और पिक्चर है अब इसमें हमें क्या बताया है आर एल्बोज हेल्प आस टू बेंड आर आर्म्स अच्छा इसमें हमें बताया गया है जो हमारी कोहनी है एल्बो है ये जगह जो है ये हमारे हाथों को मुड़ने में मदद देते हैं हमारे हाथों को सॉरी हमारे बाजू को मुड़ने में मदद देते हैं देखिए ये कोहनी है और ये आम है ये देखिए अब ये मुड़ चुके हैं हमारे बाजू हाथ जो है ये ऐसे मुड़े हुए हैं तो ये एल्बो की मदद से हुआ है आर नीज़ हेल्प अस टू बेंड आर लेग्स इसमें हमें बताया गया है कि हमारी जो नीज़ है घुटने हैं इसकी मदद से हमारे जो हमारी जो टांगे हैं वो हम बैंड कर सकते कर सकते हैं मतलब मोड़ सकते हैं अब ये देखिए ये घुटना है और ये पाँव ऐसे और फिर ऊपर ऐसे मोड़ा हुआ है तो ये इस घुटने की मदद से हुआ है नी की मदद से हुआ है ठीक है स्टूडेंट अब उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे और आप डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के नाम भी जान चुके होंगे एंड उनके फंक्शन के बारे में मतलब उनके काम के बारे में भी जान चुके होंगे Uh, hope you enjoy today's class. Goodbye.